सो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज अर्नल्ड, आई एम कमिंग विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस आप देख सकते हैं आज हम किसके साथ, आज हम सुल्तान के साथ। तो आप सबको पता होगा निक्कू बहुत ज़्यादा गुस्सा चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा मजाक, मतलब अब आप बोलोगे कि इतना कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है फिर भी मजाक सोच रहा है, मैंने सोचा बट क्या पता इस मजाक के सहारे ही हमारा पैचअप हो जाए। तो आज देखते हैं, 5 मिनट वो पहुँचने वाली है, तो उसके बाद आने के बाद उससे करते हैं बात, ठीक है? लव यू। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और डोंट स्किप, इसके बिल्कुल ही मत करना, एंड तक वॉच करना, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लव यू। सो गाइस गर्मी में हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा वेट करते करते, फाइनली निक्कू आ चुकी है, तो देखते हैं क्या रिएक्शन देते हैं आज उसके। क्या है? हाय, हाउ आर यू? अरे काम, तेरे लिए एक सरप्राइज बता रहा था ना, मैं बोला था सरप्राइज है, देख लिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बिल्कुल घटिया। मीट सुल्तान जो कि आज हमारी शादी में चलेगा, यानी कि आज हम दोनों शादी कर रहे हैं। हाँ, घोड़ा आ गया तो मतलब शादी कर, और क्या, जैसे इंसान से मैं शादी नहीं करूंगी तुझे। निक्कू सारा कुछ खत्म हो जाए, सारा कुछ सकवक की बात दूर हो जाए, चल बैठ अब शादी करेंगे हम। बकवास मत करो यार, मैं बकवास बकवास नहीं कर रहा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ यार, चिल्लाओ मत, अब शादी करेंगे बैठ। देखा, इसको भी अच्छा नहीं लग रहा है, तू उल्टा बोल रही है, तो ये भी चाहता है कि हम दोनों की शादी है ना, ये देख बोल रहा है ना, हाँ ये चाहता है हम दोनों की शादी। तुम क्या साबित करना चाहते हो कि मैं माफ कर दूं? मैं बस ये चाहता हूँ कि अब हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों साथ रहें और सदा। तुम ये चाहते हो ना कि मैं तुम्हें सब चीज़ें माफ कर दूँ? हाँ, अब देख तू चिल्लाएगी ये सब करेगी, इसको नहीं पसंद आता क्योंकि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है यार, ये बहुत प्यार करता है मेरे से। बकचोदी के लिए नहीं आई, मैं पहले बता रही हूँ यहाँ पे, तो मैं बकचोदी नहीं कर रहा, चलना फिर नहीं जाना कहीं, क्यों मेरा टाइम इसलिए खराब करा रहा तुमने यार? तो क्यों नहीं समझ रही है, शादी करनी है हम दोनों को यार। चिल्लाओ मत, मेरे पास ना इतना टाइम नहीं और मैं यहाँ से जा रही हूँ, ठीक है? अब तू राजी से जाती हो तो ठीक है, वरना पता है तेरे को डाकू कैसे उठा के लेके चले आते थे। बकवास कम करो, तुम्हें पता ना मैं अभी चीजें नहीं सहने वाली। तुझे पता ना डाकू लड़कियों को कैसे उठा के लेके चले आते थे? वैसे उठा के ले जाऊंगा और पूरा गाँव देखेगा खड़ा होकर, कोई बचाने वाला भी पैदा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि मैं ये सब चीजें नहीं सहन करने वाली, नहीं समझ आ रहा है क्या? तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे पे, तुम्हें पता है ना हम दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका है। टीपू सुल्तान की कहानी सुनी है कभी? इसकी कहानी सुनिए कभी, इसकी कहानी सुनिए। अब हाथ लगा दिया है, अब हाथ लगा दिया, आगे से हाथ मत लगा। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, मुझे नहीं रहना तेरे से, तू इन सब चीजों को क्या साबित करना चाहता है? से बाज नहीं आने वाली ना, हाँ नहीं बाज आने वाली ना, ये हाथ छोड़ना ये सब करना, तू भी तो मुझ पर हाथ छोड़ता था ना ये सब। तूने मुझे क्या बोल रहा हूँ, चल आराम से बैठ, शादी वादी करते सीधा, या घोड़ा तो आ चुका है, सीधा मंदिर और मंदिर से सीधा शादी। मेरे को कुछ नहीं करना, मुझे अपने घर जाना है। क्या सोच रखा तूने? नहीं रहना तेरे साथ, इन सब चीजों से क्या साबित हो जाए? क्यों नहीं समझती है तू बात को, जब कह रहा हूँ मुझे तू चाहिए तो तू चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। तू सिर्फ एक चीज जान ले, तू सिर्फ मेरी है, अगर तू ये बात प्यार से मानती हो तो ठीक, वरना मेरे को अच्छे से आता है कि कैसे मनाना है, समझ आया? आया समझ? अगर जब तक मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना कोई चीज, तो प्यार से बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी पे आया ना तो किसी के बस की नहीं है कि कोई मुझे तोड़। हाँ, अब बोलो बोलो। अगर मैं जब तक प्यार से बोल रहा हूँ ना, हाँ तो मैं प्यार से बोल रहा हूँ, अगर मैं अपनी पर आया ना, हाँ अगर मैं अपनी पर आया तो किसी के बस की नहीं है कि कोई मुझे तेरे से शादी करने से रोक ले, समझ गई? तो तुम्हारी जितनी बस ना, तुम्हारे बस की उतनी लगा लियो और मेरे को रोक, ठीक है? मैं तुझे चाहती तेरे से, फिर भी सब ड्रामे करे, क्या साबित करना चाहते, क्यों मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट करा? किसी और लड़की को पटा, तेरे पास तो वैसे ही बहुत लड़कियां हैं, हर जगह जगह मुंह मारते, तेरे को तो पता है ना, जब किसी और को पटा। यार सॉरी 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 सॉरी, मैं अब ये कोई रिलेशन विलेशन नहीं चाहिए, घोड़ा ये रहा, इस पे चल के हमें शादी मंदिर जाना है और सिर्फ शादी करनी है, और जो भी गलती हुई उसके लिए सॉरी यार। मैं नहीं करना, सॉरी, पहले भी ये सब सीन हो चुका है ना, सॉरी नहीं करना है। तो क्या समझ रही है यार, मैंने तेरे घर वालों को भी फोन करा ना, तूने क्यों करा मेरे घर वालों को फोन? उसके लिए तो मैं तुझे बताऊंगा, तूने क्यों करा मेरे घर वालों को फोन? तेरा क्या हक बनता है तू मेरे घर वालों को फोन करे? यार समझ जा, प्यार से इज्जत से समझ आ रहा हो तो, तुझे इज्जत समझ आ रहा है, मेरे को नहीं रहना साथ, ये सारी बकचोदे छोड़ दे, मेरे से मूव ऑन कर ले प्लीज, मुझे नहीं देना तेरे जैसे घिनौने और गंदे आदमी के साथ हाथ जोड़े कह रहे। यार तू ये सब नाटक करने के लिए फिर तू आती क्यों मुंह उठा के अपना, इससे अच्छा तू आती ही नहीं। तू मुझे फोन करके तेरे मिस कॉल्स दिखाऊं फोन, तो इससे अच्छा तू आती नहीं। मैं तुझे बताया था ना कि तेरे लिए सरप्राइज है, देख लिया था ना मैंने, वहीं से दूर से दिख गया था ये मुझे, फिर मुझे पता था कोई ड्रामा कर रहा होगा तू पटाने के लिए कि मान जाऊं। अब नहीं मानूंगा यार, 4 साल का रिलेशनशिप, अब तो सीधा शादी करने के लिए तैयार हूँ। 4 साल का रिलेशनशिप खराब, अब तो सीधा शादी करना नहीं करना, तो तू जा अपनी मर्जी चला, ठीक है? और मेरे को शकल मत दिखा दियो अपनी, ठीक है? सेम टू यू, एम टू यू कर रही है। सो गाइस क्या बोलूँ यार मैं, मुझे लगा इतना सब करने के बाद शायद मान जाए, बट मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें कभी ठीक होंगी। तो चलते हैं फिर, अब घर ही चलते हैं, आ जाओ सुल्तान को लेके घर चलते हैं हम।